ऑल राइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद हो गए, मतलब वीडियो ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं और है भी सच यार, बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई। तो हमने अपना बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के वीडियो बनाई है, मतलब बना रहे हैं। तो क्या है भैया, पहले आप ये सुन लो यार, जो ये वीडियो है ना, ये लड़कों के लिए है, ठीक है? अगर कोई लड़की देख रही हो तो भी नॉलेज के लिए देखें, ठीक है? अदरवाइज वैसे जो एडवाइस है जो इस वीडियो में, वो लड़कों के लिए है। तो सबसे पहला डाउट क्या है? डाउट ये है कि यार लोग डरे जा रहे हैं अडल्ट्री के नाम पे, भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो यार देखो, मैं आपको ना पहले कुछ कंसेप्ट समझा दूँ लीगल, ठीक है, ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि भाई जब कहते हैं ना, भाई जब नॉलेज होती है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपने देखा होगा जब हम क्लास में होते हैं कि भाई अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उठ उठ के जवाब देते हैं, और जब हमें नहीं पता होता तो हम कैसे इधर उधर, है ना? तो हम तो क्या हुआ, तो कहानी ऐसी है, 28 सितंबर 27 28 इतनी तारीख होगी 2018 को, क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी, ठीक है? एक लैंडमार्क जजमेंट आया, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये कहा कि भी जो वाइफ है ना, पहले पहले क्या होता था, चलो आप ये सुनो, पहले पहले क्या होता था, 497 एक क्राइम होता था, यानी कि अगर किसी की वाइफ का अफेयर है तो अगर हस्बैंड ने कंप्लेन कर दी, ठीक है, कंप्लेन किसके खिलाफ, उस लड़के के खिलाफ, तो उस लड़के को पनिशमेंट होती थी, वाइफ को नहीं होती थी। कुछ लोग अलग ही नशे में जी रहे हैं कि वाइफ को होती थी, भैया वाइफ को नहीं होती थी, उसको होती थी। किसको? लड़की के बॉयफ्रेंड को, सरल शब्दों में कहें तो, उसके आशिक को, उसको होती थी। फिर क्या हुआ, पेटिशन गई, तो जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें बोल दिया कि भैया ऐसा है। उसमें क्या क्या बोले, पहले मैं आपको उस वर्ड समझा देता हूँ, ताकि आपको, अब जजमेंट पढ़ने लग जाओगे तो 4-5 साल निकल जाएंगे आपके, तो की वर्ड समझ लो, ठीक है, और उतना ही काम का है आपके। तो उसमें ये बोला कि जो वाइफ है ना, वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? पहली बात, प्रॉपर्टी नहीं है तो मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? हस्बैंड उस पर एतराज़ नहीं जता सकता कि भाई तू यहाँ आ, तू ये कर, वो कर, तेरी ये ऐसी की तैसी, ये वो फलाना ढिकाना, ठीक है? दूसरा क्या है भाई, ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्स ऑटोनॉमी, वाइफ की सेक्स ऑटोनॉमी है। अब इस बात से आप अंदाज लगा लो, ये बात बोली और वहीं अडल्ट्री 497 ख़त्म हो गया, स्ट्रक डाउन कर दिया उसको। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 21 है ना, वो वॉयलेट हो रहा था, ठीक है? और आपको पता है, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है ना, वॉयलेट होता है, तो जो सेक्शन है कोई भी है उसको ही स्ट्रक डाउन कर देते हैं। तो हो गया। तो क्या कहा कि भाई वाइफ की सेक्स ऑटोनॉमी है, वो किसी के साथ भी करे, किसी के साथ भी जाए, कुछ भी करे, ठीक है? वो गाना नहीं सुना, 7 दिन ना ना हूँ बेबी मेरी मर्जी, मैं गाऊँ या ना गाऊँ मेरी मर्जी। तो ठीक है, तो दोनों के लिए ये, कोई ये सोचे भी वाइफ, हालांकि जजमेंट तो वाइफ के उसमें थी फेवर में, तो ये दोनों के लिए है, ठीक है? तो क्या हुआ, तो वो हटा दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बोला कि जो वाइफ के पास रेमेडी है ना, वो बस एक है, डाइवोर्स, यानी डाइवोर्स, डाइवोर्स ले लो, ठीक है? ओनली रेमेडी है जो वो डाइवोर्स है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर मान लो ऐसा होता है तो मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा, एज जो करना पड़ता है, तो देखो नहीं करना पड़ेगा। क्यों? अडल्ट्री प्रूव कर दी ना, अगर आप प्रूव कर देते हो तो फिर कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता, ठीक है? ये मेंटेनेंस का एक सेक्शन है, वो पढ़ लेना, वो कहता है। और अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं। अब क्या हुआ है, हो क्या रहा है हमारे इंडिया में, कुछ भाई जैसे किसी का अफेयर पकड़ा गया, ठीक है? अब होते हैं कोई बच्चे लड़के जो भी है भाई, इनकी बचपन की गलतियाँ कर देते हैं ये, तो क्या होता है, उसके हस्बैंड को पता चल जाता है, फिर इनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं वो। तो यार देखो ऐसा है, पहली बात तो लीगल नोटिसों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक बात तो, जो चीज़ क्राइम नहीं है, ठीक है, वो उसमें फिर तुम्हें पार्टी क्यों मना रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों को ऐसे डरा देते हैं जो मतलब नोटिस भेज के, देखो पहली बात तो फेक है वो, ठीक है? फेक मतलब उसका कोई रिलीवेंस नहीं है, फेक है वो, ठीक है? मान लो किसी की वाइफ का अफेयर है, उसको नोटिस भेज रहा है, अरे भाई उसको नोटिस क्यों भेज रहा है, अपनी वाइफ को प्रोसीजर स्टार्ट करना डाइवोर्स का, उसको क्यों भेज रहा है, उसको थोड़ी तू पनिश करवा देगा। तो यार ये उनके लिए है भैया, जो डर रहे हैं ना, उनको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, क्यों डर रहे हो तुम? अगर नोटिस आ भी जाता तो उसका रिप्लाई बनवा दो कि भाई इस केस में अडल्ट्री हटाई दिया है, फिर किस बात का ये भेज रहे हो, बल्कि उल्टा उसको बोलो कि भाई ऐसे क्यों कर रहा है, भाई हमारी बदनामी कर रहा है, उसको ही फंसा दो साले को, ठीक है? तो ये बात है। अब क्या है, अब कुछ लोग अलग ही ज्ञान झाड़ेंगे कि भाई ऐसा कैसा है, ये है ब्ला ब्ला ब्ला। तो भैया देखो, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ इंडिया, अब कुछ लोग इसमें भी डाउट रहता है कि भाई हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है, देखो भैया वो जुडिशरी में हाईएस्ट है, ठीक है? पता नहीं कौन सा नशा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या समझ रहे, हाईएस्ट है जुडिशरी में, ठीक है? वैसे नहीं है, वैसे अभी है हमारे पास पार्लियामेंट,
तो अब कुछ लोग कहते हैं यार इसका ऑप्शन है कुछ मतलब फ्यूचर में, तो यार देखो ऐसा है, जब जब हमारे आर्टिकल मतलब फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं ना, तो उसके लिए क्या है उसको सुप्रीम कोर्ट वो कर देता है। अब जैसे 497 वाले को कर दिया, ठीक है, या तो पार्लियामेंट लॉ बनाए कोई पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ का, तब कुछ हो सकता है। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाले तो वो तो रिजेक्ट ही हो जाएगी इस रिगार्डिंग, क्यों, आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है ना। ठीक है, आपको पता होगा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद पर्सनल डिग्निटी, तो सारी वाइफों को दे दिया पर्सनल डिग्निटी, भैया जिसको जिसकी मर्जी है भाई उसके साथ रहे इंजॉय करे। तो अब कुछ लोग कहेंगे यार आर्टिकल 21, हाँ तो भैया देखो आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल है। सरल शब्दों में कहूँ तो मतलब इसको ऐसे कंपेरिजन करो कि ऊपर भगवान, मतलब भगवान से बड़ा कोई नहीं है, और नीचे आर्टिकल 21 मतलब बराबर है। ठीक है, समझ गए, तो आर्टिकल 21 तो बहुत कर रही चीज़ है। तो अब जिनका जो भैया डरे जा रहे हैं, जो फूके जा रहे हैं, तो वो थोड़ा रिलैक्स करो। ठीक है, तो कोई क्राइम नहीं है यार, चिल करो। और देखो यार वो तो डराएंगे आपको नोटिस भेज के, ये करके वो करके फलाना दिखाना, उनका काम है। ठीक है, उनका काम है यही, जो फंस जाता है उसको ले लेते हैं। और एक एडवाइस और, हाँ तो यार कुछ लोग कहते हैं भैया अफेयर तो है लेकिन प्रूफ नहीं हो रहा, ये है कोई प्रूफ नहीं है, तो यार देखो जब तुम्हारे पास प्रूफ हो ना तभी डाइवोर्स डालो, अदरवाइज तुम्हें टाइम वेस्ट करना है तो जाओ, अगर नहीं करना तो जब आपके पास प्रूफ हो तभी डालो, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। कोरो मतलब केस है यार ये, कोर्ट है ये, ऐसे नहीं कोई, ये कोई मूवीज़ नहीं है, ये मूवीज़ नहीं है कि भाई डाल दिया और हो जाएगा अगली तारीख है, ये भैया आप यार आंकड़े देखो ना। देखो यार बी प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल रहो। एक्चुअली क्या है, अब अपना जज और केसेस का ना रेशो देखो कभी, रेसेस रेशो सॉरी रेशो, मतलब इतने करोड़ केस हैं, करोड़ है लाख जो भी है मतलब आप लगा लो, और जजों का रेशो देखो बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट में ना 34 जज हैं इंक्लूडिंग CJI, अब केसेस बहुत हैं, अब मैं नंबर नहीं बोलूँगा, मेरे को एग्जैक्ट याद भी नहीं है, बोलूँगा फिर नीचे कोई नोटिस कर लेगा, फिर बोलेगा भाई इतने नहीं इतने हैं, मतलब वो अलग ही नशे में है, समझ रहे हो, क्रिटिसाइज वाली नशे में, भाई बातों को समझ तो रहे नहीं है क्या है क्या नहीं है, अलग ही नशे में है। तो ये बात है। तो यार देखो कोर्ट तब जाओ जब तुम्हारे पक्का काम हो, जब आपके पास प्रूफ है, सब कुछ है, एवरीथिंग, मतलब आपने पूरा होमवर्क किया हुआ है, तब जाओ, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करोगे एज वेल एज मनी। ठीक है, तो मनी तो फिर भी आ जाएगा लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा, सो डोंट वेस्ट योर मनी, आई मीन टाइम। तो ये बात है। ठीक है, तो जिनका अफेयर है भैया मत डरो, और मतलब ठीक है, और रही बात, अब क्या है कुछ लोग जैसे उसको बदनाम करते हैं भाई, जैसे मान लो किसी का अफेयर है तो उसको डराएंगे कि भाई तेरे पिक्स ऐसे कर देंगे ये कर देंगे, तो भैया देखो अगर ऐसा कोई करता है ना तो यार सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई करता है, आपको कोई फ़ोन पे या इंस्टा पे या मैसेज पे व्हाट्सएप पे जो भी है, तो यार उसको बोल दो कि भैया साइबर सेल है, साइबर सेल, उसकी कंप्लेंट डाल दो। ठीक है, उसकी कंप्लेंट डाल दो। और अब आप कहोगे भी ऐसे कैसे डाल दे, देखो यार आप डाल सकते हो, क्योंकि ना देखो अगर कोई क्राइम नहीं है ना, तो मान लो देखो आपने अफेयर किया कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, अब वो आपको डरा रहे तो वो क्राइम हो गया ना, तो उसके खिलाफ़ कंप्लेन हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, सो आई होप इट इज़ क्लियर, चिल मैन। तो कुछ लोग वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं कि यार कब आएंगी, तो भैया अभी बहुत एक्सपेंसिव वे में वीडियो आएंगी, एक्सपेंसिव मतलब समझ रहे हो, अभी तैयारी चल रही है, तो थोड़ा वेट करो, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, अभी हम बहुत 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 ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा। ओके।